हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो जो नेशनल इनकम होती है उसका मतलब होता है टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोवाइड की गई है एक साल के अंदर अंदर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू। और वही जो पर कैपिटा इनकम है इसका मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन ने कितना पैसा कमाया है अलग अलग सोर्सेज से, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है पर कैपिटा इनकम, उसी में आ जाता है। वहीं जो पर कैपिटा इनकम है वो पार्ट है नेशनल इनकम का। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिक्वायर होते हैं नेशनल इनकम में, और एक्टिव कॉपरेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ रिक्वायर होते हैं। नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, वहीं जो पर कैपिटा इनकम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जो नेशनल इनकम है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, और वही जो पर कैपिटा इनकम है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।